एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक वेडिंग अटेंड करी थी जिसमें मैंने अपना ये मेकअप किया था, तो मैंने सोचा चलो इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करके आ गई थी और अपना ड्रेस मैंने पहन लिया था जो मुझे शादी में पहन के जाना था। तो यहाँ पर मैंने टोनर अप्लाई किया है जो है गुड वाइब्स का, बहुत ही अच्छा टोनर है। मैंने इसको सेल में परचेज़ किया था तो मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था ये। तो अपने फेस पे स्प्रे करने के बाद टोनर को अपने हाथों से अपने स्किन पे एब्जॉर्ब करना है, इसको डैप डैप करके बहुत अच्छी तरीके से। देन उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, और कोई भी प्रोडक्ट आपको रुक रुक के लगाना है, 2 मिनट बाद, 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड का गैप लेना है। देन सेकंड पे आ गया मेरा पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर जेल, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगता है मुझे मॉइस्चराइजिंग के लिए। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, समर्स के लिए भी और विंटर के लिए भी बेस्ट है ये आपके लिए। सो गाइज़, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ले लिया है जो कि है प्राइमर एनवाईवे का। ये भी आपको पर्पल से ही मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्राइमर है ये भी। प्राइमर जो होता है ओपन पोर्स जो होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, तो इसलिए इसको अप्लाई किया जाता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी करता है। तो मैंने प्राइमर को थोड़ा सा अपने हैंड पे ले लिया, हैंड से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से अप्लाई करना है इसको बाद में। तो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट ले लिया है, कंसीलर पैलेट इनसाइड कॉस्मेटिक का है, आपको पूरा नाम बता दिया मैंने। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर है इसमें जो, वो ले लिया जहाँ पे मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है आइज़ पे, लाइक नोज़ पे, लिप्स के अराउंड, वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। देन इसको पहले अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आगे आप देख सकते हो मैंने कैसे ब्लेंड किया है। सो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी आई मेकअप। उसके लिए मैंने एनवाईवे का कंसीलर ले लिया है जो कि इसका ढक्कन जो है ऊपर का कैप वो रियांश ने गायब कर दिया दांत से तोड़ तोड़ के। तो सबसे पहले अपने आईज़ पे मैं लगाऊँगी कंसीलर, ऊपर भी एंड नीचे भी, तो इसको अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पे अच्छी तरीके से। देन आई मेकअप मैं बहुत सिंपल सटल से रखने वाली हूँ, मुझे तड़कता पड़कता आई मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे आता है करना, ना मैं करती हूँ, ना मैंने आज तक कभी करवाया है। बाय द वे, मेकअप आज तक मैंने किसी से नहीं करवाया, मैंने खुद ही किया है। जब भी मैंने मेकअप किया करवा चाहो तो लाइक कोई शादी हो, कुछ भी हो, मैंने अपना मेकअप अपना खुद ही किया है, कभी किसी से करवाया नहीं है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और पाउडर से सेट कर लूँगी, तब भी देखना आई मेकअप बहुत अच्छा आएगा। फिर अपना आई शेडो लगाऊँगी, मुझे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना था, मेरे को बस थोड़ी सी ग्लिटरी आईज रखनी थी, तो मैं उसी हिसाब से अपना मेकअप कर रही हूँ। बेस के लिए अभी मैं बता दूँगी कौन सा कलर लूँगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने एनवाईवे का लूज़ पाउडर लिया, इससे अपने आईज़ को सेट करना है कंसील करने के बाद। देन उसके बाद आपको अपना आई शेडो पैलेट से बेस कलर लेना है और वो अप्लाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो है आईब्रो पेंसिल, एंड है ये है स्विस ब्यूटी की। तो अपने आईब्रोज को फिल करना है पेंसिल के द्वारा, देन उसके बाद इसमें एक ब्रश आता है, उस ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को कॉम कर लो, बहुत ही अच्छी से सेट हो जाती है कॉम करने के बाद और काफ़ी अच्छी लगती है। आपके मेकअप पर आपकी आईब्रोज का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है, फ़र्क आप देख लो। ये मैंने सेट की हुई है और ये इधर की नहीं की हुई। तो गाइस, बढ़ते हैं चलो अब आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए ब्रश जो है मीशो से लिए, मैंने परचेज़ किए थे पिछले विंटर में, और एक आई शेडो पैलेट ले लिए जो है बॉन की, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ करी है। बेस कलर के लिए मैं लूँगी ये वाला कलर जो हल्का सा कंसीलर टाइप का होता है, ये वाला कलर। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी ब्रश के हेल्प से, बहुत ही लाइट ब्लेंड करना है आपको,
तो मेकअप मुझे आई मेकअप जो होता है वो बहुत लाइट पसंद है, मैंने आपको पीछे भी बताया, अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। ना मुझे तड़कता पड़कता करना आता है, ना मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं लाइट ही कलर कर लूँगी। आगे आप देख लेना मैं कैसे कर रही हूँ वीडियो में। तो गाइस बढ़ते हैं चलो आगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा अपनी पलकों को सेट करने के लिए। देन उसके बाद ले लिया काजल, काजल भी अप्लाई कर लिया। और यहाँ पे मेरा हो गया था पोपट, मेरा लाइनर ही नहीं मिल रहा था, बाद में था उसको काफ़ी, तो वो मिला। देन उसके बाद मैंने उसको लास्ट में अप्लाई किया था लाइनर को, और आई लैशेज तो सबसे लास्ट में ही अप्लाई करती हूँ मैं, वैसे भी मेक आदत बन गई है मेरी ऐसा करने की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ काजल अप्लाई। देन उसके बाद बढ़ते हैं स्विस ब्यूटी का बेबी फाउंडेशन। आपको इजीली पर्पल नायका पे मिल सकता है ये, फ्लिपकार्ट मीशो सब पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो अपने हाथ पे मैंने फाउंडेशन ले लिया, डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। नेक पे भी अप्लाई करना, मेरे को याद नहीं था मैंने लास्ट में अप्लाई किया था, देख लेना वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अप्लाई करने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये भी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज यहाँ पे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने ले लिया एनवाईवी का लूज पाउडर, जो मैंने अभी पीछे आपको वीडियो में दिखाया होगा। तो उसी से अपने पूरे फेस को मैंने सेट कर लिया। देन उसके बाद आती है ब्लश की बारी। मैंने ब्लश का यार गलती से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एनवाईवी का ब्लश है मेरे पास, पिंकिश ब्लश है, बहुत अच्छा ब्लश है, मेरा फेवरेट है वो, उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई दिखाने का। तो वो मैंने अप्लाई किया। देन यहाँ पे हाईलाइटर है, स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर है, बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, उसको मैंने अपने नोज़ पे, चिक्स पे अप्लाई किया। यहाँ पे मेरी आईज़ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, लूज़ पाउडर चला गया था शायद, तो अजीब सा एकदम से धुंधला धुंधला सा हो गया था मेरे आईज़ पे। तो वैसे भी मैंने लेंस वेयर किए हैं तो काफ़ी मेरे को संभल के करना पड़ता है कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया, और मैं बात भी कर रही थी यहाँ पे अपनी फ्रेंड से। सो गाइज यहाँ पे मुझे हाईलाइटर देखो मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला हाईलाइटर यूज़ किया मैंने स्विस ब्यूटी का। इसका शेड मैं आपको बता दूँ तो 03 है, और लाइनर भी मुझे मिल गया, तो लाइनर भी मैंने अप्लाई किया। आई मेकअप मेरा डन होता है यहाँ पे लाइनर लगा के, और आईलैशेस लगा लूँगी अभी। देन उसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक बिंदी। फेस मेकअप भी मेरा डन है। हेयर स्टाइल के लिए मैंने अपने हेयर को पहले स्ट्रेट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीछे टाई कर लिया था अपने बालों को। लिपस्टिक का मैं यहाँ पे शेड दिखा रही थी आपको, 03 था, मरून सा शेड था, काफ़ी अच्छा शेड है ये। तो ये इनसाइड की लिपस्टिक है इसकी, ये भी आपको इजीली नायका पर्पल अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे दो शेड मिक्स करके लगाया था, एक 03 था, एक 05 था। दोनों शेड 03 से मैंने आउटलाइनिंग की, और 05 से मैंने अपने लिपस्टिक को कंप्लीट किया। सो गाइज यहाँ पे एनवाईवे के मेकअप फिक्सर से मैंने अपने मेकअप को फिक्स कर दिया, काफ़ी अच्छा एनवाईवे का ये मेकअप फिक्सर है, मुझे पर्सनली पसंद है। देन अपने इयररिंग्स चेंज करे, बिंदी लगाया, आईलैशेस लगा के यहाँ पे मेकअप लुक को किया कंप्लीट। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट डाउन जरूर करना। यहाँ पे गाइज थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, मैं जल्दबाजी में थी, हमें निकलना था, टाइम हो गया था हमारा निकलने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। कैसा लगा आप लोगों को मेरा मेकअप लुक और ये वीडियो, लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर देना।